सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, नो इफ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करने वाले जो लीगा एबीए का मैच होने वाला है एफएमपी वर्सेस आईजीओ के बीच में, तो गाइस पूरा डिटेल में आपको स्टैट्स बता दिया जाएगा। सो गाइस ठीक से देखना और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक लाना। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो गाइस, तो आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है याद से, ठीक है? और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, ठीक है? क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ होंगे उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग लाइनअप और इंजुरी, ये सब के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब के वीडियो में मिलेंगी। और वीडियो पाने के लिए जैसे मैंने बताया कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और राइट साइड में नीचे आपको जो बेल आइकन दिख रहा है गाइस उसको आपको प्रेस जरूर करना है, तो आपको जैसे वीडियोज़ में अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो गाइस सेकेंड चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो ना, तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं या कोई इंजुरी रिपोर्ट आती है, ठीक है, या फिर लाइनअप आने के बाद जो मेरी फाइनल अपडेटेड टीम होती है, वो सारे चेंजेस और अपडेटेड टीम मैं मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड करूँगा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जुड़ना ज़रूरी है। तो सीधा बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। तो देख सकते हो एफएमबी बियोग्राद का हम लोग लाइनअप देखेंगे क्या था लास्ट मैच में। स्टार्टिंग लाइनअप में थे ई इजुंडू, बी जोन्स, एन नेरांडिजिक, एम रैंडोनिचिच और टी टैसिच। तो ये लाइनअप थी एफएमबी, जैसे मैंने बताया बियोग्राद के लिए। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देख सकते हो 82-72 से लॉस किया था लास्ट का मैच एफएमपी बियोग्राद ने। परफॉर्मेंस देखेंगे, बी जोन्स 13 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट 28 मिनट्स में। एम नेरांडिजिच 12 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 3 असिस्ट 29 मिनट्स में। जी नेवल्स 12 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 26 मिनट्स में। एम रैंडोजिस 10 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट 27 मिनट्स। डी टैसिक 10 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 5 असिस्ट 31 मिनट। इजुंडू 6 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 13 मिनट। आर सिमोविच 4 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट 18 मिनट्स। बाद में है एन सैरानोविच 3 पॉइंट्स, 1 असिस्ट 11 मिनट्स में। डी निकोलिस 2 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 6 मिनट्स में। एस लैकिच 3 रिबाउंड्स, 1 असिस्ट 10 मिनट्स। और लास्ट में एम पेविसेविच, जिसने 1 रिबाउंड स्कोर किया था 4 मिनट में। तो ये स्टैट्स है एफएमबी बियोग्राद के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो इगोकिया का जो टीम है उसका स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में। तो स्टार्ट किया था डी लीच ने, एम जोसिलो, एम स्टार्क्स, डी स्टेफन्स और लास्ट में ए वॉलर। तो ये स्टार्टिंग लाइनअप थी इगोकिया का टीम के लिए। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देख सकते हो 91-89 से विन की थी इगोकिया की टीम, ठीक है। परफॉर्मेंस देखते हैं, जे रॉबिनसन 15 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 4 असिस्ट 21 मिनट्स में। एम स्टार्क्स 15 पॉइंट्स, 7 असिस्ट 29 मिनट्स में। बाद में लीच 13 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 2 असिस्ट 22 मिनट्स। ए वॉलर 13 पॉइंट्स, 15 मिनट्स में। बाद में एम टेंसकोविच 11 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 1 असिस्ट 20 मिनट्स में। एम जोसिलो 7 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट 27 मिनट्स में। ए रेडानो 7 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड, 4 असिस्ट 25 मिनट्स में। बाद में है एफ एस फुंडिच, जिसका परफॉर्मेंस था 4 पॉइंट्स 7 मिनट्स। डी स्टेफन्स 4 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट 25 मिनट्स। डी टैलिश 2 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट 10 मिनट्स में। और लास्ट में था, जैसे आप देख रहे हो, डीजो डेविस का परफॉर्मेंस 5 मिनट में, उसने अपने टीम के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो गाइस दोनों टीमों के बारे में मैंने डिटेल में आपको स्टैट्स बता दिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो मेरा प्रोबेबल टीम का कॉम्बिनेशन होगा इस मैच के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो पॉइंट गार्ड सेक्शन है वहाँ से मैंने पिक किया है बी टाइलर जोन्स को, एम स्टार्क्स तो ठीक है, दोनों भी अपने टीम के लिए आपको स्टार्टिंग लाइनअप में दिखेंगे। उसके बाद में मैंने पिक किया है गाइस शूटिंग गार्ड सेक्शन से जे रॉबिनसन। गाइस ये आता है बेंच से खेलने, अगर ये स्टार्ट करता है तो आपके लिए ये एसपी और पीपी के लिए बेस्ट कैंडिडेट बनेगा, ठीक है। ये बेंच से खेलता है इसलिए मैंने इसको एसपी और पीपी ये मैच में नहीं रखा है। ए वॉलर यहाँ से आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, तो अगर आप लेना चाहे तो अपने टीम में रख सकते हो। एसएफ सेक्शन से मैंने पिक किया एम जोसिलो को, ठीक है। रेडोनो बेस्ट पिक होने वाले यहाँ से आपके लिए, अगर क्रेडिट मैनेज कर सकते हो तो आप अपने टीम में इसको पिक कर सकते हो, ठीक है। पीएफ सेक्शन से मैंने पिक किया डी टैसिक को, एम नेरांडिजिक को और डी इलिच को, ठीक है। इलिच और जैसे मैंने बताया यहाँ से आपको रैडन हो, ये दोनों भी आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, तो आप किसी एक को भी पिक कर सकते हो अपने टीम में, ठीक है, दोनों भी आपको आ सकते हैं। सेंटर से मैंने पिक किया स्टेफन्स को, ठीक है। तो ये मेरा होने वाला है गाइस प्रोबेबल कॉम्बिनेशन इस मैच के लिए। एसपी मेरा होएगा बी टाइलर जोन्स,
पीपी रहेगा मेरा एम स्टार्स। और जैसे मैंने बताया कि अगर जे रॉबिन से स्टार्ट करता है तो एस पी आर पीपी इसको आप कर सकते हो, सेफ चॉइस होने वाला है आपके लिए ये मैच में। तो गाइस ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, आप सेव करके रखना। लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस आते हैं या कोई इंजरी रिपोर्ट आती है तो सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित डेटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस वीडियो देखते देखते नीचे जो लाइक का बटन है उसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।